कुछ दिनों पहले जावा ने अंडे दिए थे, ना मुझे अंडों का पता चला ना चिक्स के पता चले कि कब। ये देखो कितना प्यारा है, माशाल्लाह से कितना प्यारा है। चलो दोस्तों ये देखो मैंने ये ग्रीन गोल्डियन भी लिए अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले जावा ने अंडे दिए थे, ना मुझे अंडों का पता चला ना चिक्स के पता चले कि कब अंडों में से बच्चे निकले और कब अंडे दिए। ये माशाल्लाह से ये इसका एक चीज इधर बैठा हुआ है और ये तीन मैंने परचेज करे ओपिल जावा के, आप देख सकते हो ये तीन परचेज किए हुए और ये बच्चा निकला है, डब्बे में से बाहर आ गया है और बाकी ये अंदर है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे बच्चे हैं। तो दोस्तों मैं पहले इनको जावा को तो मैंने खाना दे दिया, अब ये फिंचे भूखी प्यासी है, मैं इनको मैं पानी दे देता हूँ और इनको बाजरा वगैरह दे देता हूँ। ये मैंने निकाला, बेटा हटो, इनको बाजरा डाला, इनको खाने पीने का सारा सामान दे देता हूँ, इधर रख दिया। अब पानी भी डाल दो, प्यासे बहुत हो गए। पानी भी डाल लिया, तो साफ सफाई भी कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूँ मैंने सब कर लिया। चलो दोस्तों ये देखो मैंने ये ग्रीन गोल्डियन भी लिए अच्छे लिए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनकी ये बड़े हो जाएंगे और इनकी भी इंशाल्लाह इसी गेज के अंदर ब्रीडिंग होगी। और तो इसका भी नर आने वाला है, उसको अलग केज में कर दूंगा इस फिंच को। ये म्यूटेशन एग्जीबिशन फिंच है, अब ये देख सकते हैं ये 10 होगा। ये देखो ग्रीन गोल्डियन लिए मैंने, अब इसके पिंजरे वगैरह की सफाई करते हैं और वे लोग को आगे बढ़ाते हैं। ये दोस्तों ये देखे लाल चूंटिया, ये बस इसकी सफाई के लिए निकाला, 2 दिन का ये माशाल्लाह से कचरा जमा करा हुआ है मेरे इस डब्बे के अंदर जा चुका है। लव बर्ड की जोड़ी है यूविंग और पार भी होगी। खैर चलो इसको साफ करते, इसको यहाँ से तो साफ करें, ये देखो इनका, इसको यहाँ से भी साफ कर दे। दोबारा जाली को लगा देता हूँ। अब इसके आगे है ना मैं पाउडर लगाऊंगा, और कीड़े मकोड़ों का जो पाउडर आता है ना, यहाँ पे तो नहीं है, अच्छा यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे सारी फिंचे थी, जब से गोल्डियन बर्ड्स गोल्डियन फिंच लाए हो तो मैंने इनको हटा दिए, इनको अलग कर दिया, देखो इनको एक पिंजरे में कर दिया, क्योंकि ये इनकरीब मैं बेचने वाला हूँ, फारिग कर दूंगा इसको या इसी के अंदर रहने दूंगा। ये माशाल्लाह से ये ब्लैक हेड है और एक ये है, मुझे एक नर एक मादा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो तो अगले साल इनके भी बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। चलो जब तक मैं इसकी सफाई करता हूँ, ये बच्चा बेचारा कल से ऐसे ही बाहर बैठा हुआ है, इसको भी अंदर डालता हूँ, हाथ में भी लेके बताता हूँ ये कैसा है, कितना प्यारा है, क्यूट क्यूट सर। ये तो दोस्तों मैंने देखो साफ सफाई कर ली है, इस पर भी मैंने आपको बताया था मैं पाउडर लगा दूंगा ताकि दोबारा ये कीड़िया यहाँ तक लाए और लगाए तो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे भी लगा दिए और ये पाउडर है कीड़े मकोड़ों का, बहुत अच्छा पाउडर है। इधर थोड़ा सा और लगा देता हूँ ताकि मजीद दोबारा ना हो जाए। ये देखिए प्यारे से, हाय हाय है बहुत प्यारे। अच्छा ये रहा ये ब्लू यूविंग, तो इसकी तोती मेरे ख्याल से डब्बे के अंदर बैठी हुई है, ब्रीडिंग सीजन शुरू है, अल्लाह करे बहुत जल्द
अंडे देना शुरू करे तो इनके भी बच्चे आ जाएंगे। जैसे इसके आए, चलो मैं इसको पकाने की करता हूँ। हाँ भाग रहा नुनू, ये देखो कितना प्यारा है, माशाल्लाह से कितना प्यारा है। नन्नू जावा, जो इतने प्यारे हुए, छोटे छोटे से निकले हो इसके अभी बाल जलेंगे, फिर ये कम से कम भी 7 महीने बाद ये पूरा पट्ठा हो जाएगा। मैंने हाथ गंदे कर दिए इसमें। खैर चलो मैं इसको अब इसको पिंजर इसके डब्बे में डाल देता हूँ, ऐसे मजे से बैठा रहे। जा भाई जावा को पानी सुबह ही दे दिया था, नहा धो के ये लोग भी फारिग हो चुके हैं। ये मेरा चूजा है अकेला, इसको यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी बोल जान कहीं सेटिंग करके इसको रखता हूँ। अरे ये मैं अपने दूसरे जोड़ी को दे दूँ तो पानी क्या कर रही है। मेरे स्प्लिट ग्रीन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू ऐसे ही कुछ नाम का मैंने लिया था। ये दोनों जोड़ी है, ये ग्रीन वाला जो है वो डीएनए है, और वो भी डी एन ए और फीमेल है, और ग्रीन वाला मेल है। इनकी जोड़ी अभी तक लगी लग गई है, बाउंडेड हो चुके। अब देखो ये लोग भी कब ब्रीडिंग करना शुरू करते हैं। इनको भी खाना पानी डाल दूँ, ये गैली ऐसे ना दोस्तों बहुत छोटी है ना, मेरे वाला थोड़ी सी बड़ी गैली होती है ना पूरा यहाँ तक सेटअप डाल लेता हूँ, क्योंकि घर घर है, घर की गैली आपको पता है कि गैली के अंदर कपड़े भी सुखाने होते, जिसकी वजह से मैंने इसे नीचे एक पिंजरा से एक ये रखा हुआ है। इसके अंदर ये तोते मेरे को नीचे उतर गए खाना खाने, पानी डाला था मैंने, और एक ग्रीन गोल्डियन ये लेकर रखा हुआ, और ये मेरे गैली और आसमान का हिस्सा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगी होगी। जावा का बच्चा भी बहुत प्यारा लगा होगा, और ये तीन बच्चे तो मैं सैटरडे को परचेज करके लाया हूँ। ये ओपल जावा के बच्चे वाइट, ये बोले थे रेड आइस है, ये देखो रेड आइस ही है। अब बाकी जब बड़े हो गए तो बताऊंगा कहीं कैसे बन गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।